नमस्कार दोस्तों, जसपीत की क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं अन्ना दुर्गा के पास। अन्ना दुर्गा जो कि साउथ इंडियन फूड के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन दिल्ली है। अगर आपने अन्ना दुर्गा का साउथ इंडियन नहीं खाया तो आपने दिल्ली में आकर कुछ नहीं किया। जब भी आप दिल्ली आएँ साउथ इंडियन ज़रूर खाएँ। अन्ना दुर्गा का डोसा, हर चीज़ इसकी फेमस है। लोधी रोड, लोधी कॉलोनी में ये इनका स्टॉल है। पहले रेडी होती थी, आजकल रेडी वो बता रहे हैं कि रिपेयर होने गई है, तो आजकल उन्होंने यही बनाया। हमारे साथ हैं सतीश कुमार सोलंकी जी, जो हमें बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। सतीश जी, कैसा टेस्ट है इसका? काफी अच्छा टेस्ट है सर का, क्योंकि हम काफी दूर से यहाँ खाने आते हैं। कहाँ से आते हैं आप? जैसे द्वारका से आते हैं हम, कहते हैं आस पास होते हैं कोने में, तो हम हमेशा ये भी खाने आते हैं। देख सकते हैं कि आप डोसा कैसे बनाया जा रहा है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत है, खाने में भी खूबसूरत है, बहुत ही टेस्टी है। अन्ना दुर्गा के यहाँ मसाला डोसा खाने के बाद अब हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं। आप भी जब भी दिल्ली आए, जब भी आपका दिल्ली आना हो, अन्ना दुर्गा के साउथ इंडियन डिशेस, मसाला उत्पम, मसाला डोसा सॉरी, वेज उत्पम, एक पनीर उत्पम बनाते हैं और एक अनियन उत्पम, बहुत ही खूबसूरत अनियन उत्पम बनता है अन्ना दुर्गा के यहाँ। तो आप ये सब चीज़ें जरूर टेस्ट करें, जरूर चखें। एक दाल का पूड़ा टाइप में भी कुछ है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इडली डोसा तो सब कुछ बनता ही है। जितने भी यहाँ पे आसपास गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी इवन IAS ऑफिसर्स, इवन फॉर दैट मैटर सम जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली में बहुत सारे, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको हर दूसरे रोज, जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो कोई ना कोई गाड़ी तो खड़ी होती है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या टेस्ट होगा। अभी सुबह सुबह गया हूँ तो मेरा नंबर लग गया है, नहीं तो यहाँ पे नंबर लगना बहुत मुश्किल है। आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद भी नंबर आ सकता है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें, कुछ ना कुछ पहले खा के आना, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि आए हाय, क्योंकि सम्शियस फूड दिखेगा, टेस्टी फूड सामने दिखेगा, और अगर वेट करना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ये हमारा सेक्शन कैसा लगा, इस सेक्शन का आप ज़रूर बताएं। मैं अगली बार आपको कोशिश करूँगा कि दिल्ली में ही एक और जगह है जहाँ राजमा चावल बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे राजमा चावल वैसे भी पर्सनली बहुत पसंद है, वहाँ लेके चलने की कोशिश करूँगा और वहाँ से वीडियो करूँगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बाकी अन्ना दुर्गा के यहाँ ज़रूर जाके खाना खाइएगा, ऐड नहीं कर रहा हूँ उसकी, वाकई टेस्ट में दम है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। धन्यवाद।